हाइट बढ़ने के लिए अक्सर अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स को रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अश्वगंधा लेने का सही तरीका क्या है? अश्वगंधा हाइट इंक्रीज के लिए अगर आपको लेना है तो उसका डोज क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो हाइट बढ़ने के लिए, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपके ग्रोथ प्लेट्स ज़रूर ओपन होने चाहिए। अभी इसके डोज की बात करते हैं तो अराउंड 450 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम दिन में दो बार आपको लेना है। इसको लगातार आप 6 महीने के लिए ले सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद आपको एक 3 महीने का ब्रेक लेना है, जिसके बाद आप फिर से ले सकते हो। अब इसको कैसे लेना है, तो अश्वगंधा को हमेशा दूध के साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाय के दूध के साथ आपको लेना है। दूध में बिल्कुल भी शक्कर ना डालें। शक्कर के यूज़ की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आपकी हाइट इंक्रीज़ करनी है तो शक्कर अवॉइड कीजिए। कब आपको अश्वगंधा लेना चाहिए? देखिए, अश्वगंधा दिन में दो बार तो लेना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अश्वगंधा लीजिए आधा कप प्लेन दूध के साथ, और शाम के समय आपको अश्वगंधा लेना है अगेन दूध के साथ। रात को नहीं, लेकिन शाम को लेना है। डिनर के 2 घंटे पहले आपको अश्वगंधा ज़रूर लेना है। कौन से ब्रांड ऑफ अश्वगंधा को आपको लेना है? देखिए, आपको अश्वगंधा ऐसे ब्रांड का लेना है जिसके अंदर जो विथेनॉइड्स होते हैं, यानी कि जो उसके एक्टिव केमिकल इन्ग्रीडियंट विथेनोलाइड्स या फिर विथेनॉइड्स, ये 5-10% तक होने चाहिए, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। क्या इसके साथ कोई ड्रग इंटरैक्शन हो सकता है? यस, अगर आप किसी तरह की साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हो तो वो बंद कर दीजिए। एंजाइटी पिल्स, नींद की गोलियां, ये सब दवाइयां अश्वगंधा के साथ नहीं चलती। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो तो थायराइड की मेडिसिन का डोज आपको कम करना पड़ेगा अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो तो। ओके, चलिए, बाय।